देख लीजिए और अब अभी सामने देखेंगे ये जो जितने यहाँ स्टूल में देख रहे हैं ये सब आंध्र के ये सारे हमारे मेला कमेटी के अध्यक्ष जी सचिव जी हमारे भाई मुखिया जी हमारे सारे भाई परिवार सभी अलग अलग कोषाध्यक्ष जी सभी लोग खड़े हैं जो कमेटी के सभी सम्मानित सदस्य हैं जो भी बुजुर्ग हैं सभी लोग हमारे बीच हमें उनका भी मेला कमेटी में जो लोग की भागीदारी है सहयोग चाहे वो आम लोगों की सुरक्षा के लिए करते हो चाहे आज डिजनीलैंड हो सारी चीजों की व्यवस्था के लिए मैं इंटर की गहराइयों से सबको धन्यवाद देते हुए मैं इनका भी स्वागत करता हूँ और इनको गहराई से मैं प्रणाम करता हूँ। मैं आपको भी जो इस व्यवस्था में लगे हैं चाहे वो मेरा भाई हो चाहे खून का भाई हो चाहे मैं रिश्ते में नहीं मैं भाई ही मानता हूँ। खून अलग नहीं होता, खून सबका एक है। विचार अलग हो सकता है, रास्ते अलग हो सकते हैं, पर खून अलग नहीं हो सकता। ये हम लोग जो यहाँ बैठे हैं एक परिवार है और यही है मधेपुरा पूर्णिया परिवार। इसी को हम कहते हैं कोसी सीमांचल परिवार, इसी को हम कहते हैं कुमारखंड पूर्णिया परिवार, इसी को हम कहते हैं मुरलीगंज कुमारखंड परिवार, इसी को हम कहते हैं जानकी नगर चकमका चंदवा पट्टी भैरवपुर ईशान खुर्दा करवेली परिवार। यह एक परिवार है और मैं अपने परिवार पर गर्व करता हूँ। आज पूरी देश और दुनिया में हमको चैलेंज एक ट्वीट के किए अगर को रहना मुश्किल है। मैं बचपन से ऐसी चीजों को झेलते रहा हूँ, देखता रहा हूँ। जो मुझे झूठ लगता है मैं उसके खिलाफ बोल देता हूँ। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, लेकिन देश से बड़ा, संविधान से बड़ा, लोकतंत्र से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति हमारे संविधान देश और लोकतंत्र से बड़ा हो जाएगा तो फिर उस देश की कीमत खत्म हो जाएगी। इसलिए पॉपुलर एरा को कभी कभी मरने की तैयारी करना पड़ता है और देश और समाज को बचाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। मैं आगे बढ़ा हूँ, मेरा ट्वीट आप परसों परसों का देखिएगा, पूरा इंडिया और वर्ल्ड में ट्रॉल है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा यह खुला महोत्सव आप लोग चलाते रहेंगे, आप लोग इसके हिस्से हैं, आप पर गर्व है। मुझे इस खुर्दा मेला में ना कोई दारू पी सकता, ना कोई गलत प्रवृत्ति है, ना किसी की एक रुपया लग सकती। सब कुछ आधार है यहाँ, सब कुछ बेफिक्र है। यहाँ किसी की कोई इकोनॉमी नहीं, बिजली फ्री, पानी फ्री, जमीन फ्री, सब कुछ फ्री। दुनिया में सब जगह पैसे लगते हैं, एक ही जगह है पप्पू जहाँ किसी का पैसा नहीं लग सकता और सिर्फ पप्पू होता है। इसलिए लाखों लाख